दिस इज मनदीप सिंह। आई एम टीचर इन गुरु हरगोविंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। टुडे आई विल डिस्कस द चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट साइंस। टुडे आवर टॉपिक इज डीकंटेशन। देर आर सम मिक्सचर विच कंटेन इन सोलूबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड। द सॉलिड पार्टिकल विच आर इन सोलूबल इन लिक्विड कैन बी सेपरेट बाई डीकंटेशन। द सॉलिड पार्टिकल विच आर इनसोलूबल। इनसोलूबल मीन जो चीज पानी विच जां लिक्विड विच डिसॉल्व ना होंदी होवे, एवें दी मिक्सचर नूं आपां की है डीकंटेशन नाल सेपरेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कंटेन सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर। सो सैंड कैन बी सेपरेट फ्रॉम द सैंड वाटर मिक्सचर बाय द मैथड ऑफ डीकंटेशन। द सैंड एंड वाटर मिक्सचर इज टेकन इन द बीकर, इट कंटेन सैंड पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द वाटर। फर्स्ट डायग्राम है, मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। आपने की है सैंड से वाटर को की है मिक्स करता दो वन, तो उस तो बाद की होएगा, अलाउ द मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर टू स्टैंड। थोड़े समय लिए रख लो अंदर, अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं करना उन्हें। ऑन कीपिंग द हैवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन। आ देखो इतने की है जो हैवियर पार्टिकल्स ने वो नीचे बैठ गए, जो सैंड है वो नीचे बैठ गए, ऊपर अपने को कला रह गया लिक्विड रह गया। दिस लेयर ऑफ सैंड इज कॉल्ड सेडिमेंट। जो आ लेयर बनी है की बोलते हैं अपन सैडीमेंट। जो है नीचे मिट्टी के कणों की लेयर बन गई है कि सैडीमेंट, उपर की रहेगा क्लीयर वॉट। द डेपोजिशन ऑफ सैंड एट द बॉटम ऑफ बीकर इज कॉल्ड सैडीमेंटेशन। जो आ मिट्टी नीचे वाल जम गई वो अपना की बोलते हैं सैडीमेंटेशन। वैन द सैंड सैटल डाउन क्लीयर वाटर इज लैफ्ट अबाव द लेयर ऑफ सैंड फिगर 10B। आ वाला की अपने को कला की रह गया इतने क्लीयर वॉटर बच गया। वी पोर द क्लीयर वाटर इन टू अनदर बीकर जेंटली विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। आपां की करना है उस उपर जो पानी है उन्हों की है नतार लेना है किसी दूजे बीकर के विच, पर वो जो मिट्टी उन्हों डिस्टर्ब नहीं करना, उत्थे सैंड उवें ही पिया रहना है विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट ऑफ सैंड। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड डीकंटेशन। इस प्रोसैस में आपां की बोलते हैं डीकंटेशन। द प्रोसैस ऑफ डीकंटेशन इज यूज इन एवरीडे लाइफ। दिस विल बिकम मूव क्लीयर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। राइस एंड पल्सेस फ्रॉम द मार्केट यूजली हैव डस्ट और सॉयल पार्टिकल। आप की है बाजार के चौल वगैरह या दाल खरीद के लैके आने वे की होंगे ने काफ़ी सारे डस्ट धूण मिट्टी के कण होंगे इन दैम। सो राइस एंड पल्स आर ऑलवेज वाश्ड बिफोर कुकिंग। आप की उन्होंने पकाने पहले की है तो मतलब पानी में साफ करते हैं। वैन वी एड वाटर टू राइस और पल्स टेक इन टू वैसल द इंप्योरिटी सच एज डस्ट एंड सॉयल पार्टिकल्स गैट सेपरेटेड एंड गो इन टू वाटर। सपोज अपने चौल धोने ना, आप चौल चौलों में पानी पाने का की होंगे जो उस इंप्योरिटीज ने की ने उपर आ जाते हैं, जेडे अपने को चौल ने की ने बॉटम के उपर नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह आप की है इंप्योरिटीज वक् कर सकते हैं किस चीज़ को, राइस नालों। द राइस और पल्स है बीइंग रिमेन द बॉटम ऑफ वैसल एंड डर्टी वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द बाय डीकंडीशन। वैन राइस एंड पल्स आर वाश्ड विद वॉटर बिफोर कुकिंग वैन द वॉटर इज सेपरेट फ्रॉम दैम बाय डीकंडीशन। The method of decantation also used separating two immiscible liquid. Immiscible means जो दो liquid आपस में mix ना होंगे हों। जिस तरह water and oil are two immiscible liquid। जिस तरह oil मतलब तेल, तेल से पानी दो immiscible liquid ने जिधे आपस में कदे भी mix नहीं होंगे। जब अपन ने कोई mix कर भी देवांगे तो उन्होंने की है उस तो बाद कुछ समय बाद two different layers form हो जाएंगे। Since water and oil are immiscible, they form two separate layers in the beaker. Water being heavier from the lower layer and the oil becomes lighter. जो पानी है heavier होता है वो नीचे वाल बैठ जाएगा, जो oil है उसकी layer की होती है lighter होती है, वो की होएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। Next अपने को ले loading। Sometimes the water fetched from a river, lake or pond is muddy due to presence of fine clay particles suspended in it. अब कई बार देखते हैं जो नदियां नालों का पानी होता है वो की होता है गंदा होता है, क्यों उसके की रली होंगी है मिट्टी होंगी है चीकनी मिट्टी या धूण मिट्टी के कारण होंगे। दीज सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टेक लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन देयर ओन। सो इफ यू वॉन्ट टू ऑबटेन क्लीयर वाटर बाय डीकंडीशन दैन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। द सेटल डाउन ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर कैन मेड फास्टर बाय प्रोसैस ऑफ लोडिंग। हूँ लोडिंग की है, लोडिंग इज द प्रोसैस इन विच एलम पार्टिकल्स आर डेपोजिटेड ऑन द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल ऑफ मडी वाटर टू मेक दैम हैवी एंड सैटल डाउन रैपिडली। उन्होंने की एड किए जाते हैं पार्टिकल्स एड किए जाते हैं ता जो वो की है नीचे वाल जल्दी बैठ जाए तो उपर सिर्फ की रह जाए अपने कला क्लीयर वाटर। वी विल नाउ डिस्क्राइब द मडी वाटर इज मेड क्लीयर बाय द मैथड ऑफ लोडिंग। सपोज
ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਡ ਕਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਕਣ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਬੀਕਰ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਗ ਪੀਸ ਆਫ ਐਲਮ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ। ਐਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਟਕੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਥਰੈਡ ਟਾਈਟ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਐਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਬਿਕਰ ਆਫ ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਰੋਟੇਟ ਇਨ 3 or 4 ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੈਮ ਥਰੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵਾਟਰ ਮੜੀ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਮੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ। When the piece of alum is rotated in muddy water, some alum dissolve in the water. The particles of dissolved in alum deposit on the suspended clay particle by muddy water. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਐਲਮ ਡਿਜੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਮੱਡੀ ਵਾਟਰ ਮੱਡੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੱਡੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਬੀਕਰ, ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਕਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰਿਮੇਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਬੀਕਰ। ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਊਂਡ ਪੀਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਟੀਨੀ ਹੋਲਸ। ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਦ ਹੋਲਸ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਆਰ ਸੋ ਸਮਾਲ ਦੇ ਆਰ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਨੇਕਡ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਕੈਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ ਟਿਨੀ ਹੋਲਸ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਬਟ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬੀਂਗ ਲਾਰਜ ਕੈਨੋਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ ਟਿਨੀ ਹੋਲਸ। ਜੋ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਿਨੀ ਹੋਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨ ਆਨ ਦ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਜੀਡਿਊ। ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੈਜੀਡਿਊ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਲਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਫੋਲਡ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪ। ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਪੀਸ ਆਫ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਂਡ ਫੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਹਾਫ, ਦ ਹਾਫ ਫੋਲਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਫੋਲਡ ਅਗੇਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲਡ ਕਰੋ। ਦ ਟਵਾਈਸ ਫੋਲਡ ਫੋਲਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਏ ਹੋਲੋ ਕੇਨ, ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਕੋਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ।